हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चांदनी सिंह और आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव एक्टिव, जिसमें आज हम बात करेंगे ग्रैंड विटारा के प्राइसिंग। जी हां दोस्तों, ग्रैंड विटारा का प्राइसिंग क्या है, साथ ही साथ कौन कौन से वेरिएंट से इसका कंपैरिजन होगा, ये गाड़ी कब से डिलीवरी मिलना स्टार्ट होगी और इस गाड़ी में क्या खास फीचर्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा के क्या मेजर कंपैरिजन है, किस गाड़ी से इसका मेजर कंपैरिजन किया जाएगा। तो सबसे बड़ा जो कंपैरिजन है वो टोयोटा हाई राइडर है, साथ ही साथ इसमें आपको क्रेटा और सेल्टॉस से इस गाड़ी को कंपैरिजन किया जाएगा। फीचर्स की अगर बात करें तो खास फीचर्स क्या आ जाएंगे इसमें, आपको पैनोरामिक सनरूफ आ जाएगा, जो कि ग्रैंड विटारा का बहुत ही खास फीचर्स है और मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है इसका ये फीचर्स। साथ ही साथ इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल ग्रिप सेलेक्ट मोड ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आपको चार तरह के मोड ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑटो, स्पोर्ट, स्नो एंड लॉक। ये फीचर्स इस वाले वेरिएंट में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड फीचर्स जो है उसमें आपको दो तरह के मोड दिए हुए हैं, आप ईवी मोड पे भी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ड्राइव मोड पे भी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये इस गाड़ी का काफ़ी खास फीचर्स है जिसके लिए कस्टमर्स बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हैं। एडवांस सेफ्टी इस गाड़ी में दी हुई है, जिसमें आपको सुजुकी टेक प्लेटफॉर्म पे इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है, ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आपको ब्रेजा भी अभी आ रही है और साथ ही साथ आपको हाई राइडर भी ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे ही डिज़ाइन किए गए हैं। 6 एयर बैग ऑप्शन दिए हुए हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम रहेगा, 360 कैमरा है, हील डिसेंट कंट्रोल, साथ ही साथ हील होल्ड असिस्ट भी इस वाले वेरिएंट में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो इसमें आपको न्यू एज टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसमें मैंने आपको बताया मेरा फेवरेट पैनोरामिक सनरूफ दिया हुआ रहेगा, हेड अप डिस्प्ले है, डिजिटल मल्टी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वायरलेस चार्जिंग, नेक्स्ट जेन सुजुकी कनेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आपको 45 प्लस फीचर्स जो है वो आपके स्मार्टफोन स्मार्ट वॉच से भी कनेक्टेड रहेंगे, स्मार्ट प्ले प्रो प्लस म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा 9 इंच का HD डिस्प्ले के साथ। माइलेज की अगर बात करें, जो सबसे खास है इस सेगमेंट में अभी तक की जितनी भी गाड़ी है उसमें माइलेज में ग्रैंड विटारा सबसे ऊपर रखा गया है, जिसमें आपको 27.97 आपको हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले वेरिएंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मैनुअल की बात करें तो मैनुअल में 21 का है और ऑटोमेटिक में 20.58 का माइलेज रहेगा। वहीं पे अगर ऑल ग्रिप वेरिएंट की बात करें, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है, तो उसमें माइलेज थोड़ा सा कम दिया गया है, उसमें आपको 19.38 का एज पर ARAI माइलेज हो जाएगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो उसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो 45 लीटर का हो जाएगा, सीटिंग कैपेसिटी आपको 5 सीटेड रहेगा। इंजन की अगर बात करें तो इंजन हाइब्रिड वाले में थोड़ा ज़्यादा इन पावर दिया गया है, जो कि आपको 1490 सीसी है। ये जो इंजन है ये टोयोटा का इंजन यूज़ किया गया है ग्रैंड विटारा में, और मारुति का जो बाकी सारी गाड़ियों में जो इंजन आ रही है वो इंजन आपको 1462 सीसी आ जाएगा, जो कि 1.5। तो ये तो हो गई गाड़ी के सारे डिटेल्स जो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं मेन जो है वो गाड़ी कब से डिलीवरी होगी और क्या प्राइसिंग होने वाला है इस गाड़ी का। तो डिलीवरी की अगर बात करें तो जहां तक पता चला है इस महीने गाड़ियां डिस्पैच होना चालू हो जाएंगी और डिलीवरी जो है वो आपको दुर्गा पूजा से मिलना चालू हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने जिन्होंने ग्रैंड विटारा बुक करा रखा है तो उन लोगों के लिए तो खुशखबरी है भाई, आपको गाड़ी जो है वो दुर्गा पूजा से मिलना स्टार्ट होने की संभावना है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो इस गाड़ी का जो प्राइसिंग होने वाला है, जो कि मारुति ने अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, बट क्योंकि टोयोटा हाई राइडर जो है वो सेम प्लेटफॉर्म पे सेम फीचर सेम इंजन के साथ आ रहा है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि प्राइसिंग लगभग दोनों का सिमिलर ही होने वाला है। प्राइसिंग हाई राइडर का आ चुका है, जो कि टॉप मॉडल मैनुअल ट्रांसमिशन में 17 लाख रुपये आ रहा है। अगर ग्रैंड विटारा का भी 17 लाख रुपये आएगा तो भाई ये तो हो जाएगी ओवर प्राइस।
जो कि मुझे लग रहा है। अगर आप लोगों को भी लगेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ऑटोमेटिक वेरिएंट में आप जाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप स्ट्रांग हाइब्रिड वेरिएंट में जाना चाह रहे हैं, तो उस गाड़ी का भी जो प्राइसिंग हाई राइडर का रिवील हुआ है वो है 18,99,000 रुपया टॉप मॉडल एक्सोरूम प्राइस। अगर ग्रैंड विटारा का प्राइस भी 19,00,000 रुपया आएगा, तो ये गाड़ी अगर टॉप मॉडल ऑन रोड करते करते अगर देखा जाए तो 21 से 22 लाख रुपये हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइजिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि 22 लाख में तो भैया बहुत सारे ऑप्शन हैं मार्केट में अवेलेबल। ग्रैंड विटारा और हाई राइडर के लिए इस सेगमेंट का गाड़ी का प्राइजिंग 20 लाख के अंदर ही होना चाहिए था। देखते हैं, ग्रैंड विटारा का प्राइसिंग तो अभी आया नहीं है, मारुति वाले क्या करते हैं, क्योंकि मारुति से थोड़ा सा उम्मीद है कि प्राइस जो है वो थोड़ा जस्टिफाइड हो। अब देखते हैं मारुति क्या करती है। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।